और बड़ी खबर है, महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हुआ है, जब 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी तीनों ही पार्टियां। तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सीट बंटवारा कर लिया है। तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगी, यानी तीनों पार्टियों को बराबर की सीटें, 33 सीटें अन्य सहयोगी पार्टियों को देगी महाविकास आघाड़ी। सीट बंटवारे का ऐलान महाविकास आघाड़ी ने कर दिया है। तीनों दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही, यानी जो विवाद हो रहा था पहले सीटों को लेकर, वो विवाद सुलझ गया है। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी, यानी कुल 270 सीटों पर अभी तक सहमति बन चुकी है। एमबीए में यानी महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो विवाद था, जो सहमति नहीं बन पा रही थी, वो सुलझ गया है और 85-85 सीटों पर तीनों ही पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। सीट बंटवारे का ऐलान किया गया पूरी सहमति के बाद, जहां पर अभी लिस्ट भी आनी शुरू हो गई है उम्मीदवारों की, और इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी गई। 33 सीटें अन्य सहयोगी पार्टियों को देगी महाविकास आघाड़ी। इसके अलावा जो तीनों ही प्रमुख पार्टियां हैं, इनका गठबंधन 85-85 सीटों पर ये तीनों ही पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला यहां पर तय किया गया, उस पर सहमति बन गई है। बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, यानी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ने बाजी मारी है। उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले 65 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया, उस पर सहमति बनी और महाविकास आघाड़ी ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अगर कम सीटों पर लड़ती तो जाहिर तौर पे कांग्रेस जैसी एक राष्ट्र पार्टी के लिए सवाल उठता कि क्या हरियाणा हारने के बाद उनके सहयोगी दल उन पे दबाव डाल रहे हैं। लेकिन एक उद्धव ठाकरे फैक्टर जरूर है, भले ही 85-85-85 पर बात हो गई हो, उसके बाद भी अभी आयुष आप जिक्र कर रही थी तो 255 आपने बताया सीटें, 270 पे सहमति बनने की बात है और बाकी की 33 सीटें या तो अलायंस या निर्दलीय तमाम अलग छोटी दलों को दी जाएंगी। ये ठीक वैसा ही स्ट्रैटेजी, पर एक बार आयुष आप बताएं कि उद्धव ठाकरे उन लोगों में से नहीं है। उद्धव ठाकरे खुद को अगला मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईगो लड़ाई है जो वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहते हैं। उसी कुर्सी की लड़ाई में उद्धव ठाकरे ने अपनी बिल्कुल विपरीत विचारधारा के अलायंस के साथ जाकर खड़े हुए और उद्धव ठाकरे इतने नाराज हो गए थे कि संजय राउत तो वॉकआउट कर गए और उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में मैसेज दिया था कि हम नाना पटोले से बात करेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को 85 पर मनाना कि, और क्योंकि सवाल क्या होता है, जिसकी अब सिर्फ एक बात होती है, जिसकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है और जीत के दायरे में आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर 85 पे जो सबसे ज्यादा विधायक लेकर आता है वो चुनाव जीतेगा, लेकिन यहाँ पे 33 सीटें ऐसी भी हैं जो जाएंगी या तो लोकल जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका दबदबा है। सवाल ये उठता है कि अब भारतीय जो एमबीए है महाविकास आघाड़ी ने महायुति की स्ट्रैटेजी, यानी खास तौर पे भाजपा की स्ट्रैटेजी ली है। भाजपा ने भी अलायंस अलग अलग तरीके से, लेकिन इंडिपेंडेंस पर दाव जो हरियाणा में हुआ और नए छोटे दलों पर दाव चलने की बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी की थी, और कैसे वोट में सेंधमारी करना हो यहां पर जो लड़ाई और ये एकजुटता का जो जिक्र था जो जनता के बीच में जा रहा था कि महाविकास आघाड़ी अगर सरकार में आएगी तो भी लड़ाई करती रहेगी, वो लड़ाई का एक न्यूट्रलाइजेशन किया है जिससे पॉलिटिकल पार्टी आरोप न लगा सके कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि 4 घंटे की बैठक कल मंगलवार को हुई, उससे पहले 9 घंटे की बैठक हुई, वॉकआउट हुआ, नाराजगी हुई, लेकिन आखिरकार शायद शरद पवार मनाने में कामयाब हुए। इस बीच में यह खबर भी आई थी कि शरद पवार आज और राहुल गांधी सीनियर नेताओं से उन्होंने बात की है। एक तरफ अजीत पवार नाराज चल रहे हैं, अजीत पवार भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पे जब इतने बड़े अलायंस और खींचतान रहता है, लेकिन 85-85-85 की जो ये फॉर्मूला निकाला है, इससे कहीं ना कहीं कौन बड़ा भाई छोटा भाई ये सवाल खत्म हो जाता है। अदिति आपसे शिकायत कुछ पूछ रही थी। जी जी, 18 कैलकुलेशन नहीं चल रहा था, 18 आयुष जो वो सीट्स है, 18 सीट्स जो भी रह गई हैं, ऐसा लग रहा है अदिति से जरा सवाल पूछे कि क्या कांग्रेस या फिर उद्धव ठाकरे खुद वहां दाव चलना चाहते हैं या फिर शरद पवार।
जो बाकी की सीटें 18 सीटें, हालांकि उसमें अभी आंकड़ा बढ़ भी सकता है, उस पर क्या उद्धव और ठाकरे अपना दांव चलना चाहते हैं, कांग्रेस चलना चाहती है, शरद चंद्र पवार? और अदिति, मेरा आपसे एक सवाल ये कि अभी तक हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि कौन सा दल ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, वो कांग्रेस होगी या उद्धव ठाकरे, लेकिन इस पिक्चर में जो हमने कैलकुलेट नहीं किया, अज्यूम नहीं किया था, वो एनसीपी थी, शरद चंद्र पवार का गुटसोची। वो सबसे कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके भतीजे लेकर गए, उसके बावजूद भी वो बराबर सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। शरद चंद्र पवार का कद है ये या उनकी पार्टी में अभी भी दम बाकी है? देखिए, ये एग्जिस्टेंस यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। महाराष्ट्र के चुनाव को एक आम चुनाव के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। उद्धव ठाकरे की लड़ाई आज भी भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए उद्धव ठाकरे हर उस सीट पे प्रत्याशी उतारना चाहते हैं जहां शिंदे वाली शिवसेना या भाजपा प्रत्याशी उतार रही है। शिंदे वाली शिवसेना के साथ सीधी लड़ाई है और भाजपा के साथ एक मान सम्मान की लड़ाई है। इसीलिए विभद्र के जो 12 सीटें थी जिस पर भाजपा के विधायक हैं, उसको लेकर लड़ाई हुई थी कि वहां तो एमबीए का कोई विधायक नहीं, तो हम ही लड़ेंगे। अब इसको समझने की जरूरत है, शिवसेना का सिंबल या नाम जिसके पास भी है, यह चुनाव बताएगा कि असली शिवसेना कौन है। एनसीपी का सिंबल किसी के पास भी हो या नाम, लेकिन यह चुनाव बताएगा कि चाचा चाचा है या भतीजा चाचा के बड़े पॉलिटिकल गुरु निकले। तो जाहिर तौर पे यहां पर एग्जिस्टेंस का सवाल है और वही सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल जिस तरीके से उठापटक रही, भारतीय जनता पार्टी ने वो देखा, कई आरोप भारतीय जनता पार्टी के पास लगे आयुष, ऐसी स्थिति में, और भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर अपना मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे उनका कद कम किया, उनको डिप्टी सीएम बनाया, ये सब सेक्रीफाइस करने के बाद क्या 2024 के चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी वो अचीव कर पाएगी जिसके लिए पिछले 5 साल का स्ट्रगल हुआ? इसलिए ये और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हरियाणा में हारने के बाद एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एकदम मुट्ठी भर कांग्रेस नहीं है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में भले ही वो ज्यादा सीटों पे जीते या नहीं जीते, नाना पटोले के अस्तित्व की तो बात है ही है, लेकिन कांग्रेस का एमवीए महाविकास अगाड़ी अगर सत्ता में नहीं आता तो आप इमेजिन कीजिए वो राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इमेज में घूम रहे हैं, उनकी इमेज को लेकर क्या सवाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, खुद महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, महाराष्ट्र के सवाल के साथ साथ कांग्रेस की अस्मिता की भी सवाल हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगा कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीत ही रही थी और जीते जीते कांग्रेस जो है। तो महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है, 85-85-85 यानी तीनों ही पार्टियां यहां पर बराबर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। हालांकि जो बची हुई 18 सीटें हैं उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि उस पर भी जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा, जल्दी सहमति बन जाएगी, वो सूची भी सामने आ जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जरूर एक कदम आगे निकले, क्योंकि जैसे ही ये निर्णय हुआ, इस फॉर्मूले पर काम हुआ, 65 उम्मीदवारों की पहली सूची उन्होंने जारी कर दी। चलिए आगे भी इसे लेकर अपडेट आपको देंगे।